Hey, what's up guys, कैसे हो सके सारे? I hope सभी बढ़िया होंगे। So, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट द TCG Genshin Impact जो अभी भी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुआ है। So, बहुत सारे लोग प्लेयर्स पागल हो चुके हैं, मैं भी पागल हो चुका था जब मैंने पहली बार खेला था क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इवन मैं ट्रिगर हो चुका था अपनी लाइव स्ट्रीम में, बहुत लोग मुझे बुली भी कर रहे थे, उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा था, उनको लगा कि वो मेरे को इंप्रेस कर रहे हैं अपने स्किल से, बट वो मेरे को बुली कर रहे थे बिकॉज आई डोंट हैव एनी फकिंग आइडिया एंड एनी क्लू इन दिस गेम। सो उसके बाद मैंने दो दिन ग्राइंड किया, 12 घंटे की स्ट्रीम करी और जो भी कुछ सीखा वो मैं तुम्हें अभी शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि जैसा मेरा कटा है वैसे तुम लोगों ना कटाए और तुम लोग ट्रिगर ना हो, क्योंकि पहली बार ये गेम खेल के मैं ट्रिगर हुआ अपनी लाइव स्ट्रीम पे और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी डिस्कॉर्ड पे अपने और उनको DM भी किया, जिन लोगों ने मुझे DM किया मैंने उनको DM करके सॉरी भी बोला। खैर ये सब तुम्हारे साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अबाउट द बेसिक गाइड। सो इसमें एक एक्शन कार्ड होता है और सपोर्ट कार्ड होता है, वो एडिशनल कार्ड होते हैं जो कि आप गेम के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, मगर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अभी फिलहाल बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि आपको कैरेक्टर्स कहाँ से मिलते हैं, आपको यूज़ कैसे करने हैं, अबिलिटीज, डाइस वगैरह सब कुछ जो है बेसिक चीज़ें वो मैं सब इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम लोगों को समझ में आए। और अभी भी मैं ये गेम सीख रहा हूँ तो प्लीज़ अगर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ वीडियो में तो प्लीज़ उसको ठीक करना और कमेंट सेक्शन में बताना ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। सो लेट्स जंप इनटू इट। कार्ड गेम की लोकेशन आपको मॉन्स्टर हंट में मिलेगी जिसका नाम है द कैट टेल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप बार के अंदर आते हो आपका ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा, ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद आपको एक कैट नजर आएगी जो कि आपके सामने होगी और आपको बोर्ड नजर आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो बोर्ड पे दो ऑप्शन नजर आएंगे, को ऑप का, वो आपका अवेलेबल नहीं होगा जब तक आपका जो लेवल है वो 4 तक ना पहुंच जाए। इनवाइट करेक्टर्स कर सकते हो आप अगर आपके पास लेटर है तो, ये लेटर पाने के तरीके होते हैं, कुछ कुछ जगहों से मिलते हैं लेटर, ठीक है, आपको कैट भी दे सकती है प्लस आप टास्क जैसे जैसे करोगे उस हिसाब से आपको मिलेगी और आप परचेज भी कर सकते हो, मैं आगे जाके बताऊंगा वीडियो में। किसी भी कैरेक्टर को आप इनवाइट कर सकते हो अगर आपके पास लेटर पड़ा है तो। इनवाइट करने से पहले यू कैन जस्ट ऑल्सो चेक कि वो कैरेक्टर करता क्या है, लाइक वो कितना डैमेज देता है, ठीक है, उसके नॉर्मल अटैक्स डैमेज कितने हैं, उसका स्किल डैमेज कितना है, उसका अल्टीमेट डैमेज कितना है, ये आप देख सकते हो जो आपको ठीक लगे। हर किसी का अलग अलग है, जो आपको ठीक लगे आप वो करेक्टर चूज कर सकते हो। यहाँ से आपको मिलेंगे कार्ड्स जब आपके पास होगा लेटर। लेटर पाने के तरीके, ये बिल्ली है ये लेटर देती है, यहाँ पे एक शॉप है आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, डेवलप करने पे ये कैट भी आपको देती है और आप खुद भी परचेज कर सकते हो अगर आपके पास कॉइन्स है तो। और कॉइन्स आपको NPC वगैरह को हरा के बाहर ओपन वर्ल्ड में उनको हरा के मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो तीन लोग बैठे हैं जिनके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ क्योंकि उनके ऊपर सिंबल नहीं आ रहा टिक का, जिसके साथ आप फाइट करोगे ना उसके ऊपर कार्ड पे सिंबल आता है ग्रीन टिक का कि आपने उसके साथ फाइट कर ली है। अगर मैं जाता हूँ और नोवेल को चूज करता हूँ तो तुम देख सकते हो कि मुझे XP मिलेगा जिससे मेरा लेवल इंक्रीज होगा और मुझे मोरा मिलेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है माई डेक, ये डेक आप कर सकते हो अरेंज अपने अकॉर्डिंग, आपको ये डेक मिलेगा गैजेट में सेक्शन में इन्वेंटरी के अंदर, डेक पे क्लिक करो ये खुलेगा, इसमें अपना जो भी आप डेक इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप अरेंज कर सकते हो, तो ये आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि खेलना कैसे है बेसिक चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कार्ड्स के बारे में, जैसे जैसे मुझे पता चलेगा वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूँगा, गाइड करता रहूँगा हिंदी में। अभी के लिए सिर्फ आप 3 करेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हो और 30 कार्ड्स आप अरेंज कर सकते हो जो भी कार्ड्स आपको चाहिए होंगे, और उसको सेफ पे क्लिक करना मत भूलना। किसी भी डेक को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे साइड में एक लोगो बना रहा है आपको 3 डॉट वाला, उस पर क्लिक करना है और सेट एज एक्टिव डेक पे क्लिक करना है जो भी आप एक्टिवेट करना चाहते हो, और आप अपनी डेक की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो डिज़ाइन की। आपको 4 स्लॉट मिलते हैं तो आप डेक को कॉपी भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें अरेंजमेंट जो कि आप कर सकते हो जब आपको गेम समझ में आ जाए। और जैसे कि एडवेंचर गाइड बुक होती है एंड टी पॉट होता है, वैसे इसके भी थोड़े से मिशंस है जो कि आप देख सकते हो। टॉप राइट हैंड साइड एक कैट बनी आ रही है, बुक बनी आ रही है, उस पर क्लिक करके आपको ये मिशन करने पड़ेंगे, ये टास्क करने पड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। और आप गेस्ट चैलेंज है वो भी देख सकते हो इस बुक के सहारे। अगर ओपन वर्ल्ड में आपको कोई प्लेयर नहीं मिल रहा तो प्लेयर ढूंढने का एक तरीका है, इन्वेंटरी में जाओ, गैजेट में जाओ, डेक पे जाके आपको नीचे दिखेगा सर्च फॉर प्लेयर्स, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको लोकेशन पता चल जाएगी। जब आप कैट के पास जाते हो और उसकी शॉप ओपन करते हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। डायनामिक स्किन्स, ये आप परचेज मत करना गाइज, ये कोई करेक्टर कार्ड नहीं है, ये स्किन कार्ड है। आपको जितना भी मतलब है, जो भी आपके मतलब की चीज़ है वो है आपके वेपन कार्ड्स, आर्टिफैक्ट्स कार्ड्स, आपके सपोर्ट कार्ड्स और इवेंट्स कार्ड्स, अगर आपके पास करेंसी है गुड इनफ तो, ठीक है। परचेज दिस आइटम नॉट दिस आइटम इन अर्ली स्टेज। मॉन्स्टर कार्ड पाने के लिए आपको मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कैट से फाइट करनी पड़ेगी जिसके पास मॉन्स्टर कार्ड होते हैं, वो भी आपको ऑप्शन यहीं पर मिलेगा। तो ये TCG गेम है, इसमें 3 फ्री कार्ड्स मिलते हैं, सुक्रोस और काया और अपना डेलुक। तो सीन क्या है,
जैसे आप गेम शुरू करते हो डाइस रोल होते हैं, ठीक है, डाइस रोल होते हैं, तो जिस एलिमेंट का कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो वो एलिमेंट डाइस को आपको रखना है और बाकी डाइस को आपको टिक करके दोबारा से रोल करना है। सिर्फ आपको सिर्फ एक चांस मिलता है दोबारा से रोल करने का, और उससे पहले एक और फेस होता है जिसमें आपको एक्शन कार्ड मिलते हैं, और ये होते हैं एक्शन कार्ड, ये बफ वाले कार्ड हैं। कुछ कार्ड्स आप अपने करेक्टर पे लगा सकते हो और कुछ कार्ड्स आपको एडिशनल बेनिफिट देते हैं, एक तरीके से बफ, ठीक है। तो कुछ वेपन वाले कार्ड्स हैं जो लगा सकते हो, कुछ आर्टिफैक्ट्स कार्ड हैं जो लगा सकते हो। उनसे क्या होता है, आपको ना अपने करेक्टर की एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, वो भी सिंगल एक डाइस कम में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो साइड में देख रहे हो तुम, इस वाली जो आठ नंबर लिखा है, मेरे पास आठ डाइस है, दो जियो की डाइस है, दो डेंड्रो की, दो एनमो की, एक हाइड्रो की, एक इलेक्ट्रो की, बट मेरे पास काया है और डीलुक है। डीलुक पायरो पे काम करता है, काया क्रायो पे काम करता है, मेरे पास एक भी डाइस नहीं है इनमें से, तो मेरे लिए ये यूजलेस है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब क्या होता है, या तो एक्शन कार्ड मैं लगा लूँ, ठीक है। अब एक्शन कार्ड पे लिखा होता है, मेंशन होता है कि एक्शन कार्ड को यूज़ करने की कॉस्ट कितनी है। एक्शन कार्ड को यूज़ करने की कॉस्ट लिखा हुआ है इसमें दो, दो 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 दो, कोई भी कार्ड यूज़ करूँगा दो दो की कॉस्ट है। मगर मैं इनको या तो लगा भी सकता हूँ या फिर इनको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, तो मेरे को वो पायरो में कन्वर्ट हो जाएंगे दो, लाइक एक जो एक कार्ड है उससे मैं पायरो में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मुझे एक डाइस मिल जाएगा। बट अगर मैं लगाऊंगा तो इसकी दो कॉस्ट है। तो इसमें ये है कि जो कार्ड होते हैं ना, जो अपने सपोर्ट एक्शन कार्ड होते हैं, इनको ना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पायरो है, लाइक पायरो डाइस है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं, आप इसको किसी भी सेम दो होने चाहिए, सेम दो एलिमेंट कोई भी चलेंगे, रैंडम भी चलेगा, भले ही वो पायरो हो या क्रायो हो, कोई डजेंट मैटर, आप रैंडम पे यूज़ कर सकते हो। मतलब कार्ड्स का ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सेम एलिमेंट मांगते हैं मगर डजेंट मैटर कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, बट सेम एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हो। सम अदर कार्ड्स पे ज़रूरत नहीं होती वैल्यू की, उस पर जीरो लिखा होता है, उनमें वैल्यू नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती उनको। अब देखो ये इक्विप किया, ठीक है, अब देखो मैंने क्लेमर उठाया, डीलू पे लगा दिया, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या देनी पड़ रही है मुझे, दो जियो क्यूब्स, लाइक मतलब डाइस देने पड़ रहे हैं, ठीक है, प्ले कार्ड कर दिया। So, playing in action, simply put, but wait, मैजिक गाइड, अब देखो ये मैजिक गाइड है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट यूजर कोई है? कैटलिस्ट यूजर तो कोई भी नहीं है, ना डीलू का और ना काया है। अब मुझे मैजिक गाइड मेरा यूजलेस है, ठीक है, तो मैं इसको पायरो में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि पायरो का तो कोई डाइस ही नहीं है ना मेरे पास, और डेलुक तो पायरो पे इस्तेमाल होगा, डेलुक को यूज़ करने के लिए, एबिलिटी यूज़ करने के लिए मुझे पायरो डाइस की ज़रूरत है, भले ही वो एक क्यों ना हो बट चाहिए चाहिए। या तो ओमनी डाइस चाहिए, ओमनी एक रेनबो कलर का होता है, वो हर एक एलिमेंट को सपोर्ट करता है, या फिर मुझे कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं कन्वर्ट करूँगा, हाइड्रो को कन्वर्ट किया पायरो में, ठीक है। अब दोबारा से सेम चीज़, एक और कन्वर्ट किया, तीनों कन्वर्ट कर लिए, तीन पायरो डाइस हो गए मेरे पास अब, ठीक है। अब मैं अपनी स्किल मार सकता हूँ, मगर यहाँ पे यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे स्किल मारनी थी इसलिए मैंने तीन डाइस कन्वर्ट करे, मैं नॉर्मल टैक्स भी मार सकता था। नॉर्मल के लिए सिर्फ मेरे को एक पायरो चाहिए होता और दो सेम उसके चाहिए होते, सेम एलिमेंट के डाइस चाहिए होते, वो कुछ भी चलता, कुछ भी रैंडम कुछ भी चलता हो, मगर एक डाइस चाहिए था। इसके लिए स्किल के लिए मेरे को तीनों सेम पायरो की ही चाहिए। खत्म। इस बारी हमें आर्टिफैक्ट्स का मिला एक पीस, एक कार्ड आर्टिफैक्ट्स का मिला है, एक क्लेमोर मिला है, ठीक है, दो फूड के मिले हैं और एक पायमोन कार्ड मिला है। पायमोन कार्ड ये किसी भी दो डाइस को कन्वर्ट करके ओमनी में कन्वर्ट कर लेता है, ओमनी बोले तो रेनबो वाले में कर लेता है, और रेनबो वाला डाइस यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल बोले तो सभी में काम आता है, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप उसे। मगर मेरे को ये कार्ड नहीं चाहिए थे, हीलिंग के, तो मैंने उसे एक्सचेंज कर लिया, और इसका मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है मेरे को। जो आपको कार्ड नहीं चाहिए होते ना आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो, मगर सिर्फ एक बारी, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड कि आपको अच्छे कार्ड मिलते हैं कि नहीं। रेनबो समझ लो उसे, ओमनी कहते हैं उसे, बट आप रेनबो समझ लो, रेनबो किसी भी एलिमेंट के साथ काम आ सकता है। अब देखो हमारे पास कौन है,
काया और डीलुक है। डीलुक पायरो पे काम करता है, काया क्रायो पे काम करता है। ना ही मेरे को हाइड्रो चाहिए, ना ही मुझे जियो चाहिए, ना ही मेरे को एनमो चाहिए और ना ही मेरे को इलेक्ट्रो चाहिए, क्योंकि करेक्टर ही नहीं है मेरे काम करने वाले उन पे, तो चाहिए क्यों। तो मेरे को एक और चांस मिलेगा अगर मैं री रोल करूंगा, तो एक और चांस। उस चांस के बाद अगर मिला कोई एलिमेंट तो अच्छा, डाइस एलिमेंट का डाइस कोई मिला तो अच्छी बात, नहीं अच्छी बात तो मेरी फूटी किस्मत। अब देखो इसमें मेरे को एक यूनिवर्सल मिला ओमनी कार्ड, मगर बाकी द्वार से यूजलेस मिले। एक एनमो, एक डेंट्रो, एक हाइड्रो और दो जियो। रेनबो जो डाइस है वो हर उसमें माना जाता है, हर एलिमेंट में इस्तेमाल होता है क्योंकि ओमनी है ना यूनिवर्सल। तो या तो मैं ओमनी डाइस इस्तेमाल करके इसको क्रायो इफेक्ट दे सकता हूँ, या फिर मैं नॉर्मल भी यूज कर सकता हूँ। नॉर्मल के लिए मुझे ओमनी डाइस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ काया का सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए होगा और वो मेरे पास है ही, और बाकी के दो रैंडम इस्तेमाल कर सकता हूँ कोई भी नॉर्मल टैक्स के लिए। मगर स्किल एबिलिटी ज़्यादा डैमेज देती है, और इसमें लिखा आता है, इसमें मेंशन होता है कि आपके वाले अपोनेंट, जो आपके सामने जो अपोनेंट है उसको डैमेज कितना होगा। तो -3 में जाएगा, 12 की एचपी है उसकी, और -3 में जाएगा अगर आप इस्तेमाल करोगे स्किल एबिलिटी, ठीक है। अल्टीमेट के लिए लगेगा मुझे 4 डाइस, मतलब मेरे को क्रायो की 4 डाइस चाहिए होगी काया की अल्टीमेट मारने के लिए, प्लस 2 मेरे को चाहिए होगा, क्या 2 मेरे को ये चाहिए होंगे, ये साइड में दिख रहा है ये जो क्या कहते हैं गाइस। तो मैं स्किल मार रहा हूँ, अगर मेरे को समझ लो यहाँ पे ओमनी डाइस इस्तेमाल हो रहा है, मगर मेरे को ओमनी डाइस इस्तेमाल नहीं करना, मुझे तो डेंड्रो या एनमो या हाइड्रो को कन्वर्ट करना है क्रायो में, मुझे नहीं करना ओमनी डाइस यूज, ठीक है। तो मैं ये कार्ड जो है सॉर्ड वाला या तो काया को दे सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे 2 की कॉस्ट लगेगी। अगर मैंने ये कार्ड दिया तो 2 सेम एलिमेंट कोई भी डजेंट मैटर अगर मैंने लगाया तो मेरे को देने पड़ेंगे वो कार्ड लगाने के लिए, वरना वापस कर लो लाइक नहीं करना। और आर्टिफैक्ट्स के लिए भी 2 लगाने पड़ेंगे, डजेंट मैटर। देखो पायरो वाला आर्टिफैक्ट्स कार्ड है, जियो यूज हो रहा है, कॉर्ड है काया की अभी भी जियो यूज हो रहा है, ठीक है। और ये एक है कार्ड, ये है अपना पायमोन कार्ड, इसको इस्तेमाल करूंगा तो रैंडम कोई भी 2, डजेंट मैटर कि वो सेम एलिमेंट है कि नहीं, 2 कोई भी रैंडम उनको कन्वर्ट करके ये ओमनी में कन्वर्ट कर देगी। देखो जरा, कर दिया कन्वर्ट ओमनी में, ठीक है। क्लेमोर सेम सॉर्ड की तरह ही, और ये सेम। अब देखो 3 ओमनी हो गए हैं, ठीक है, अब 3 ओमनी हो गए हैं, बट मैं अपनी अल्टीमेट नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि पहले अल्टीमेट मारने से पहले मेरे को नॉर्मल अटैक्स या स्किल एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी 2 टाइम्स टू जनरेट माई अल्टीमेट, जो ये डॉट नजर आ रहा है राइट हैंड साइड कार्ड के उस पे, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब मुझे कार्ड, अगर फर्ज करो तुम्हें कार्ड नहीं चाहिए, तुमने कहा कि मेरे को कार्ड नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लगाना, मेरे को ड्यूलुक पे आर्टिफैक्ट्स नहीं लगाने, ठीक है, और मुझे ड्यूलुक पे वेपन भी नहीं लगाना, मुझे तो भाई पायरो क्यूब चाहिए क्योंकि मेरे को तो मेल्ट करना है, इसके ऊपर मेल्ट क्रायो का लोगो हो गया। अब ना अभी एलिमेंट रिएक्शन तो आपको सुनना पड़ेगा, हर कार्ड पे ना एलिमेंट रिएक्शन का सिंबल बना होता है, अगर आपने कोई एलिमेंट अप्लाई किया तो उसका सिंबल बना होता है, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा अपने करेक्टर पे ताकि आप उस एलिमेंट रिएक्शन को ट्रिगर कर सको, ट्रिगर, ठीक है। तो अगर मैं ड्यूलुक पे स्विच करता हूँ तो स्विच करने की भी एक कॉस्ट देनी पड़ती है, एक डाइस स्विच करने की एक कॉस्ट होती है, और वो है एक डाइस, डाइस कोई सी भी डाइस, डजेंट मैटर पायरो चाहिए नहीं, कोई भी डाइस, बस एक कॉस्ट देनी पड़ेगी स्विच करने की। लेट्स फिनिश दिस स्विफ्टली, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको स्किल मारूं, ठीक है, मगर स्किल मारने के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक डीलुक का डाइस तो चाहिए होगा ना, 2 ओमनी है, 3 ओमनी नहीं है यहाँ पे, 3 ओमनी नहीं है, 2 ओमनी है, और यहाँ पे पायरो नहीं है और क्रायो भी नहीं है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इजीली मार सकता हूँ, और डायोना ने अपनी तरफ से राउंड एंड कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चेंज दिस, और डायोना ने अपनी तरफ से राउंड एंड कर दिया है, तो मैं स्टिल राउंड चल सकता हूँ, आगे मैं स्टिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी डाइस है, एक डाइस अभी भी बचा है, तो मैं अपना करेक्टर भी चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं राउंड एंड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास 2 डाइस पड़ी है तो, रैंडम,
स्विच करने की एक कॉस्ट देनी पड़ती है, हमेशा करेक्टर स्विच करने की एक कॉस्ट देनी पड़ती है, बट देर इज अ फ्यू कार्ड्स जिसमें कॉस्ट नहीं लगती, आपको एक फ्री में स्विच मिलता है, मगर वो अलग बात है। अभी हम ये सीख रहे हैं कि गेम कैसे खेलनी है। ये स्विच करने की कॉस्ट दी, अब ये मारा मैंने स्किल, खत्म, मेल्ट हो गया। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको रिएक्शन करने हैं और सर्वाइव करना है, बस ये दो चीज। आपको फ्री में तीन कार्ड मिलते हैं, पाया का, डीलुक का, सुक्रोस का। गेम की शुरुआत होती है हमेशा कुछ कार्ड से होती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ कार्ड के रोल्स हैं आपको बफ देना या हील देना, और कुछ कार्ड्स के रोल हैं आपका डैमेज इंक्रीज करते हैं। ये कार्ड्स की जो, हर एक कार्ड का अपना अपना रोल होता है, वो सब मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। ये आर्टिफैक्ट्स कार्ड जो है ये ड्यूलुक के लिए काफी बढ़िया रहेगा, मेरे को एक डाइस कम यूज करनी पड़ेगी ड्यूलुक के ऊपर, तो मैं लगा लेता हूँ, अभी से लगा सकता हूँ। आप कोई भी जो एक्स्ट्रा कार्ड है वेपन का, बफ का, कुछ भी, कभी भी अप्लाई कर सकते हो। कार्ड को सिलेक्ट करो और उसके बाद करेक्टर को सिलेक्ट करो जिसको चाहिए और उस पर क्लिक कर दो। अब ये फूड कार्ड है, बट मुझे फूड नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा कि मुझे अभी फूड की जरूरत है। तो अगर आपको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है अभी राइट उस वक्त सिचुएशन में, तो आप उसको यूज कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अपने पास रख सकते हो संभाल के, तो या फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले राउंड में, ठीक है। कार्ड्स जो होते हैं आपके पास हाथ में, जो होते हैं आपके, मेरी बारी है। अब मुझे तीन चाहिए एनमो, और मेरे पास अल्टीमेट तो है ही, दो सितारे तो है ही चमक रहे हैं, जो मेरे को इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं अल्टीमेट, ऑफकोर्स अल्टीमेट इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास तीन डाइस भी तो है एनमो की। तो ये क्लिक किया, अब अल्टीमेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में जो लोगो बना रहा है ना, वो लोगो ये मेंशन कर रहा है कि मेरी जो सुक्रोस की अल्ट है वो दो बारी और हिट होगी उस कार्ड, उस पंदे पे, उस कार्ड पे हिट होगी जो कार्ड उस वक्त एक्टिव रहेगा फील्ड पे जब ये राउंड खत्म होगा तब। अब राउंड एंड होगा तो सुक्रोस की अल्ट उसको हिट होगी जैसी राउंड एंड होगा। अब मेरे पास एक डैश बची है, तो मैं या तो करेक्टर चेंज कर सकता हूँ या फिर अपना एंड राउंड कर सकता हूँ। अगर तुमने एक बार एंड राउंड कर दिया तो तुम नहीं चल सकते, मतलब एंड राउंड का मतलब ये होता है कि मेरी तरफ से सब खत्म हो गया, अब मैं सीधा अगले राउंड में जाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से सब खत्म हो गया, मेरे पास और कोई चाल नहीं बची, ठीक है। और अगर जिसने सबसे पहले, जो एंड राउंड सबसे पहले करता है, जिसने भी एंड राउंड सबसे पहले किया उसको अगले राउंड में सबसे पहले बारी बारी मिलती है चलने की। हो गया सुक्रोस का अल्ट, लग गया ना, खत्म। तो ये था हाउ टू प्ले दिस गेम, ठीक है, कार्ड गेम। मैंने बेसिक चीजें थोड़ी बहुत बता दी, ठीक है। कार्ड्स जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, कुछ कार्ड्स काम के होते हैं, कुछ कार्ड्स काम के नहीं होते, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका, आपको कौन सा कार्ड चाहिए कौन सा नहीं। कार्ड बहुत सारे हैं, उनके अलग अलग काम है, उनके अलग अलग यूजेज है। मैं बस अभी ये बता रहा था कि खेलना कैसे है, डाइस क्या होते हैं, ओमनी डाइस क्या होता है जैसे मैं रेनबो बोल रहा था, और एनर्जी क्या होती है ताकि तुम अल्टीमेट मार सको, और उसकी कॉस्ट क्या होती है, और स्विच कैसे करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें बता रहा था मैं। बाकी डाइस रोल करना है कैसे, डाइस में क्या चूज़ करना होता है, ठीक है, और हाथ में कार्ड जो आते हैं उन्हें भी तुम चेंज कर सकते हो, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, ये बेसिक चीज़ था। बाकी भाई धीरे धीरे मैं खेलूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, तो मैं तुम्हें बाकी चीज़ें बताता रहूँगा।